हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो यहाँ पे एक और वीडियो लेकर आया हूँ, मैं बात करूँगा मार्केट अपडेट का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट का। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओवरऑल गैप डाउन खुला, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स काफ़ी वीक थे। तो यूएस मार्केट में काफ़ी वीकनेस है और यूएस के चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बुरा हाल है। आज थोड़ा सा इसमें रिलीफ दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है ये। आप नैसडैक देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 14,000 के पास था, जो अभी करेंटली 12,700 है, मतलब 1300 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10% डाउन है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो ओवरऑल हम 15,080 पे हैं। अगर आप बोलें कि ओवरऑल जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया तो वो मेजर स्टॉक्स है आपका, HDFC बैंक, ये सभी स्टॉक्स को आज सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने पूरा जो गेन था उसमें काफ़ी कुछ गिवअप कर दिया। इनफैक्ट रिलायंस ने भी काफ़ी कुछ गिवअप किया, लेकिन अभी एक बहुत क्रूशल जंक्चर पे है मार्केट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अल्ट्राटेक, अदानी पोर्ट्स, ये कोई खास स्टॉक नहीं है जो मार्केट को आज उठा के रखे थे, एक तरह से रिलीफ टाइप का था इन स्टॉक्स में। लेकिन ओवरऑल जो मेजर स्टॉक्स थे जो अभी तक मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, भगा रहे थे, उनमें फॉल आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो वीक स्ट्रक्चर है वो किस किस स्टॉक में, मैं यहाँ पे नाम लेके बता देता हूँ। एक्सिस बैंक वीक है, SBI वीक है, ICICI बैंक वीक है, HDFC वीक है, HDFC बैंक वीक है। रिलायंस अभी भी वीक नहीं है, तो रिलायंस में अभी आप बहुत बेरिश मत होइए। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टील स्टॉक्स में आज वीकनेस थी। तो मेटल काफ़ी वीक है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी। तो मेटल मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन नज़र आएगा आगे आने वाले दिनों में भी। तो मेटल में थोड़ा आप प्रॉफिट बुकिंग, अगर कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो निकलिए, और ओवरऑल हर बाउंस पे यहाँ पे सेलिंग करनी है। तो मेटल वीक है ओवरऑल। ऑटो में एक अच्छा खासा बाउंस बन रहा था, थोड़ा सा ये जो ऑटो सेल्स नंबर थे, थोड़ा सा माहौल इन्होंने अच्छा क्रिएट किया था, लेकिन फिर से गिवअप कर रहा है। आज आपने देखा कि आपका M&M वीक था, आपका टाटा मोटर्स भी कमज़ोर हो रहा था, मारुति में थोड़ा सा रिलीफ था, लेकिन फिर भी कोई खास नहीं है, जो बुलिशनेस है वो एबसेंट है। तो ओवरऑल ये व्यू है ओवरऑल मार्केट का। 160 पॉइंट डाउन है 15,080 पे। अब यूएस फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोई इतना खास यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ सबकी नज़र है वो ये है, यूएस 10 ईयर ईल्ड, तो ये 1.47 चल रही है, 1.53 पिछला हाई था जहाँ पे पैनिक हुआ था। तो अगर यहाँ से और ये 1.5 क्रॉस करेगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी पैनिक रहेगा मार्केट में। तो यही रीज़न है कि मार्केट अभी हाई पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के कारण जो आउटफ्लो है वो बना हुआ है टेक सेक्टर से यूएस में, और बाकी स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा आउटफ्लो हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 91.2 पे है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी कोई इतना वीकनेस नहीं है, ये बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हो रहा है। और डॉलर जब भी बढ़ता है तो आपको पता है कि मेटल्स में वीकनेस आती है, आपकी गोल्ड, ऑयल, ये सभी थोड़ा सा वीक रहते हैं। तो गोल्ड भी आपका वीक है डॉलर के कारण, ऑयल इतना वीक नहीं है, लेकिन ऑयल में भी वीकनेस आती है डॉलर के बढ़ने से। लेकिन ऑयल बिकॉज ऑफ डिमांड, और जो सऊदी है वो लोग प्रोडक्शन कट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों के चलते आप देख सकते हैं ऑयल प्राइस हाई है। तो हमारे लिए नेगेटिव क्या है, ऑयल प्राइस हाई है, ये हमारे लिए नेगेटिव है। दूसरी चीज़ है डॉलर आपका स्ट्रांग हो रहा है, ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। और यील्ड्स जो यूएस में है, क्योंकि यूएस की यील्ड के कारण जो इमर्जिंग मार्केट है, जो हमारा एशिया है, इसमें काफ़ी पैसा आया है, तो वो वापस जा सकता है, और यही रिस्क है सबसे बड़ा इस मार्केट के लिए। ये पूरा का पूरा मार्केट ऊपर है फंडामेंटल के बेस पे नहीं, लिक्विडिटी पे पैसा आया है, और वो पैसा वापस जाएगा तो वापस हम नीचे जा सकते हैं। तो यही रीज़न है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए, हम 2 लाख सब्सक्राइबर पार करने वाले हैं। तो भारी से भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और इस वीकेंड में हम फिनिश करते हैं अपना 2 लाख सब्सक्राइबर्स, बहुत दिन से पेंडिंग है। मैं भी थोड़ा लेजी हो गया था, थोड़ा वीडियो कम बना रहा था बीच में 2 महीने, लेकिन अभी हम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है लोगों का, बहुत लोगों के पैसे बन रहे हैं जो हमारे फ्री वीडियोस हैं उनके दम पे, तो काफ़ी अच्छा है। तो डेफिनेटली सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसको मैं वॉच कर रहा था, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था इसने, ये ब्रेकआउट फाइनली फॉल्स निकला। फिलहाल अभी देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि फॉल्स है, ये मुझे ऐसा लगा था कि वापस जाएगा हाई की तरफ, लेकिन ये वापस गैप डाउन हुआ और इस सपोर्ट के नीचे। तो आप देख सकते हैं अभी ये कुल मिला के एक ये एरिया है सपोर्ट का, जो आपका है करीब करीब 15,050। अगर ये टूट गया ना ये एरिया 15,050, तो फिर ये हम अगले ट्रेंड में है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे लो बना रहे हैं। तो अगला जो लो होगा आपका कहीं यहाँ पे होगा 14,300 तक। तो यहाँ से काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है और बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि मल्टीपल फेलियर्स हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला फेलियर ये है, दूसरा फेलियर है, ये तीसरा फेलियर है, ये तो फेक ब्रेकआउट है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से मार्केट अगर नहीं संभला कल तक में फ्राइडे को, तो डेफिनेटली फिर हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे रहे लेवल काफ़ी बड़े हो सकते हैं।
ऑलमोस्ट 14,300। तो आपको पता है कि मार्केट गिरने में एक ही दिन लगा रहा है, एक दिन में 600 पॉइंट गिरता है, सारे सपोर्ट टेस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मौका नहीं देगा। तो अगर आपको थोड़े भी साइन दिखते हैं कि 15,000 टूटता हुआ दिखे, तो आपको यहाँ पे बुक कर लेना है, एग्जिट कर लेना है और शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी कमज़ोर था, इस बाउंस में भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, और ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। मैंने कल भी बोला था कि ये ब्रेक तो नहीं किया है, ब्रेकआउट तो नहीं किया है, लेकिन कोशिश कर सकता है। तो आज उम्मीद ये थी कि, लेकिन आज गैप डाउन हो गया तो कोई उम्मीद क्या, यहाँ से तो हम सीधे नीचे ही गए। और यहाँ पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है करंटली आपका 35,600 टूटा तो आपका लेवल जो है अगला इस एरिया में आएगा करीब करीब 34,100, जो कि करीब करीब 1500-1600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी नीचे है लेवल सपोर्ट के, और निफ्टी में भी काफ़ी नीचे है। जो अगला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है HDFC। तो HDFC में सेम चीज़ है जो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट निकला, अभी तक तो फेक ब्रेकआउट है, अगर इसको दोबारा क्रॉस कर ले जाता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो ये एक डाउन ट्रेंड का साइन है। और हम अगला जो सपोर्ट लेंगे करीब करीब 2450 के आसपास लेंगे, तो 120-130 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आएगा। तो आपको जो कल का लो है 2570 का एरिया है, इसको आप एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चल सकते हैं। आज का लो है 2570 का जो आज का लो है, इसको रेफरेंस पॉइंट लेकर चल सकते हैं। अगर ये ब्रीच हो जाता है कल तो मोस्ट प्रॉब्ली हम नीचे जाएंगे और हमारा सपोर्ट फिर काफ़ी नीचे हो सकता है। उसके बाद एक अगला स्टॉक है SBI। तो SBI में भी सेम चीज़ है जो बैंक निफ्टी में आपको दिखा रहा था, यहाँ पे कोशिश की इसने फेक ब्रेकआउट की। अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार टेस्ट कर चुका है, डाउन ट्रेंडिंग चैनल है, तो मेरे हिसाब से ये देर सवेर ब्रेक करके इस एरिया पे जाना चाहिए। ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया है, इस पे टेस्ट जब तक नहीं करेगा एक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। नॉर्मली हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि अगर ऊपर जाना भी है तो इस तरीके से जाएगा, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है आपका 385 लेवल को, तो मुझे लगता है फिर आप 355 के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। और अगला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था वो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, लेकिन जब ओवरऑल मार्केट में ही वीकनेस है तो हो सकता है, क्योंकि इसने काफ़ी अटेम्प्ट किया नीचे की तरफ, काफ़ी अटेम्प्ट किया, एक्सपायरी के टाइम पे बाउंस भी आया। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं किया 336 पे, तो फिर हम वापस तेज़ी के साथ 300 के आसपास जा सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये एक अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अगर ये अटेम्प्ट मतलब इसमें कम से कम एक 30-35% का इस पूरे मूव का हाई बनाना चाहिए था, ज़्यादा हाई इसने नहीं बनाया है। तो मेरे हिसाब से अब दोबारा से रिटेस्ट करके और थोड़ा टाइम लगा के शायद ये जाए, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन और हो सकता है, और आपका 300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेल्स बढ़ रही है और काफ़ी कुछ ही लोग नया कर रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म का सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक्शन लीजिए, और आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो फिर 20-30 रुपये में आपको रोना नहीं है, ऐड करना है। अब अगला स्टॉक है रिलायंस। अब रिलायंस में देखिए अप ट्रेंडिंग चैनल है, पूरा ये बुलिश साइन होता है, ठीक है, लेकिन एक डिप आ सकता है फिर अपसाइड हो, तो डिप भी आया तो 2130 के आसपास आपको सपोर्ट है। अगर अगली बार यहाँ पे मिले इस एरिया में तो आपको बाय करना है, तो इसको मार्क करके रखिए। बताने के लिए शायद मैं उस टाइम पे स्टॉक लिया नहीं लिया, आपको ध्यान होना चाहिए, तो 2130-2120 के आसपास। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप स्केल रख के बैठे रहिए और 20 आते ही ले लीजिए, अब बोले अब तो 10 चला गया मैं निकल रहा हूँ, नहीं, हो सकता है थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इस एरिया पे सपोर्ट मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये ब्रीच होता है तो इस टाइप का एक्शन होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको पता है कि इस एरिया में बाइंग आएगी देर सवेर, क्योंकि ये लाइन मैंने भी खींची है, ये लाइन बड़े बड़े लोगों ने भी खींच के रखी हुई होगी। तो आपको इस पे विश्वास करना है कि आपका एनालिसिस अगर इस पूरे मार्केट के सबसे बड़े गेम मेकर्स से मिलता है तो आप सही हो, और कुछ भी उलूल जुलूल कुछ भी एनालिसिस करते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल में जाके कुछ भी ज्ञान लेते हो तो वो बात अलग है, लेकिन आपके सही और आपके गलत होने का सिर्फ एक ही आपको मायना है, एक पैमाना है कि आप कितनी मैच्योरिटी के साथ एनालिसिस करते हो, प्राइस एक्शन देखते हो, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हो, और एक विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में रखते हो कि ये गिर के उठेगा या उठ के गिरेगा या फिर ऊपर ही जाता जाएगा, वो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर सीखना है तो हमारा एक STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, उसमें 37-38 आवर्स से ज़्यादा का कंटेंट है, सब कुछ है उसमें, प्राइस एक्शन, कैंडल, सब कुछ है, मतलब काफ़ी कुछ है। आप हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और किसी से भी सीखिए बिना सीखे मत करिए। ऑप्शन में तो सबसे पहली चीज़ है लोग घुस जाते हैं, अरे ज़ीरो हो गया पैसा, उन्हें पता ही नहीं था कि ज़ीरो होता है, ऑप्शन में ज़ीरो होता है। अब नहीं पता था इसलिए आपने 50,000 गवा दिया, और यही 50,000 गवाए वाले लोग के पास 5,000 रुपये सीखने के भी पैसे नहीं होते। तो ये सोच की बात है कि स्कूल में लगा दिया है 1,500,000 स्कूल कॉलेज में, और उसके बाद 15,000 की नौकरी करते हो, और यहाँ पे 15,000 लगा के 50,00,000 के सपने देखते हो।
तो आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ओवरऑल इस पे नज़र रखिएगा, यूएस फ्यूचर पे। मुझे ऐसा लगता है अभी सेल द रैली है, इस एरिया पे रेजिस्टेंस मिला है, रहेगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, और लो टूटे तो काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस हैं, आज किसी तरह बच गए, लेकिन कल दोबारा फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे को आपको पता है क्या हुआ था, तो थोड़ा सतर्क रहिए और सेफ्टी के साथ ट्रेड करिए, सीख के ट्रेड करिए, एनालाइज करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि 2 लाख करना है, और बड़ी खुशी होगी, जितना एफर्ट डाला है, 500 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। मुद्दा इसका नहीं है कि कितने वीडियो लगे ये मुकाम को हासिल करने के लिए, मुद्दा ये है कि गिव अप नहीं करना है। लाइफ, यूट्यूब, जॉब, ग्रोथ और कुछ भी कर रहे हो, गिव अप मत करो। टाइम लग सकता है लेकिन होगा, तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे चैनल से, क्योंकि मुझे 70 वीडियो लग गए 3000 सब्सक्राइबर पहुंचने में। कभी 1 रुपये खर्च नहीं किया, कभी कोई ऐड रन नहीं किया, पूरा ऑर्गेनिक है, कहीं फर्जी आर्टिकल नहीं छपवाए, जहाँ भी जो भी किया सब अपने दम पे किया। तो ये एक खुशी है अंदर से कि मेहनत से भी काम होता है, और यही चीज़ आपको सीखनी है स्टॉक मार्केट में। ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए, सीखिए, और पैसा गवाइए लेकिन कम, बनाइए ज़्यादा। तो जब आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आपका रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस इतना छोटा भी मत रखिए कि हंसी आए देख के कि यार ऑप्शन में आप 5% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। ऑप्शन है तो 20% तो मिनिमम बनता है, और ऑप्शन में अगर आप सही हो तो 40-50% का रिवॉर्ड भी मिलता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा अगर आप सही तरीके से समझ के करेंगे। तो आई होप ये थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो गया, बट देना ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।